गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेडिक्योर बडी. वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर सेशन ऑफ रैपिड रिविजन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टूडे एंड दैट इज पोस्ट पार्ट्रम हीमरेज. फ्रेंड्स बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक लेट मी इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट आई हैव अपलोडेड मेनी लेक्चर्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स ऑलरेडी एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट. तो आप प्लीज एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देयर. ठीक है चलिए अब हम स्टार्ट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक पीपीएच. तो पोस्टपार्टम हीमरेज क्या होता है. अगर ब्लड लॉस 500 ml से ज्यादा होता है फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट विजाइनल डिलीवरी के बाद और 1000 ml से ज्यादा होता है सिजेरियन सेक्शन के बाद तो हम उसे क्या कहते हैं. वी कॉल इट पोस्टपार्टम हीमरेज. ठीक है पोस्टपार्टम हीमरेज क्या है. 500 ml से ज्यादा विजाइनल या फिर सिजेरियन सेक्शन के बाद 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस अगर हो रहा है तो हम उसे पीपीएच की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है अब माइनर पीपीएच अगर है तो ब्लड लॉस 500 से 1000 ml के बीच में होगा. वहीं पर अगर मेजर है तो 1000 से ज्यादा होगा. नाउ मेजर को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. अगर मॉडरेट है तो 1000 से 2000 ml होगा और मैसिव है तो ग्रेटर देन 2000 ml ब्लड लॉस होगा. Now, according to ACOG, PPF जो है उसको डिफाइन किया जाता है हिमाटोक्रिट वैल्यू ऑफ 10%. मतलब कितना कम हो जा रही है हिमाटोक्रिट की वैल्यू उसके बेसिस पे ACOG ने PPH को डिस्क्राइब किया है. Now, types of PPH की अगर हम बात करें तो यहाँ पर PPH के लिए दो टाइप्स बताए गए हैं. एक है प्राइमरी PPH, सेकेंड है सेकेंडरी PPH. प्राइमरी क्या है. प्राइमरी मतलब अगर जो हीमरेज है दैट अकर्स विद इन 24 आवर्स तो हम उसे प्राइमरी PPH कहते हैं. वहीं पर अगर हीमरेज आफ्टर 24 आवर्स हो रहा है तो हम उसे सेकेंडरी PPH बोलेंगे. ठीक है चाइल्ड बर्थ के अगर 24 घंटे के अंदर हो रहा है तो प्राइमरी, ग्रेटर देन 24 आवर हो रहा है तो सेकेंडरी. इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है प्राइमरी वाले का. तो एटोनिसिटी है यूट्रस की. ठीक है एटोनिक पीपीएच. और सेकेंडरी का क्या है अगर कुछ ना कुछ यूट्रस में रह गया. फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा ही रिटेन रह गया अगर यूट्रस में तो दैट कैन बी कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच. ठीक है अब हम बात करते हैं कॉजेज की पीपीएच के. तो पीपीएच के चार कॉजेज हैं. आप इसको याद कैसे करोगे. ए और चार सॉरी तीन टी. ठीक है जिसमें पहला है ए फॉर एटोनिक यूट्रस. टी एक टी है ट्रोमैटिक के लिए, एक है थ्रोम्बिन के लिए या फिर कोएगुलोपैथिक डिसऑर्डर के लिए और लास्ट वन है टिश्यू के लिए. जैसे कोई भी टिश्यू रिटेन हो जाता है सबसे पहले एटोनिक है. सबसे इंपॉर्टेंट कॉज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पीपीएच जो होता है दैट इज एटोनिक पीपीएच. टोन यूट्रस में लॉस्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फ्लो किया जाता है. ठीक है उसके अलावा अगर प्लेसेंटा अंदर रह गया तो उसकी वजह से टिश्यू कॉज हो सकता है. ठीक है कई बार डिसमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन हो सकता है उसकी वजह से भी पीपीएच हो सकता है. ठीक है अब हम इधर इस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर वाले अगर टेबल की बात करें तो यहाँ पे एटोनिक पीपीएच के अंडर भी किस किस वजह से एटोनिक पीपीएच हो सकता है. जैसे एक मदर ने बहुत सारे बच्चों को बर्थ दिया है, मैल न्यूट्रिशन का केस है. ठीक है जो यूट्रस है वो हाइड्रोएनियोस या माइक्रोसोमिया का केस है उस कंडीशन में हो सकता है. फीमेल में हाइपरटेंशन है, ओबीस है फीमेल या फिर यूट्रस प्रेजेंट है. ठीक है यूट्रस कैसा फाइब्रॉइड यूट्रस प्रेजेंट है. ठीक है वहीं पर अगर हम ट्रोमैटिक की बात करें तो जैसे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है. ठीक है वेजाइनल बर्थ हुआ है आफ्टर सिजेरियन, सिजेरियन होने के बाद वेजाइनल डिलीवरी हुई है. मैक्रोसोमिया यहाँ पे भी अगर बच्चे का जो हेड है वो उसका साइज काफी बड़ा है तो ऐसा हो सकता है. ब्लड कोएगुलोपैथी में अब्रप्शन हो सकता है. ठीक है प्लेसेंटा जो प्लेसेंटल अब्रप्शन हमने पढ़ा है वो हो सकता है. उसके अलावा हेल्प सिंड्रोम. हेल्प सिंड्रोम क्या होता है इसमें एलिवेटेड हो जाता है सॉरी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है. ठीक है लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड हो जाते हैं एंड हाइपरटेंशन भी हमें देखने को मिलता है. तो ये कॉजेस हो सकते हैं. अब हम आ जाते हैं फर्दर डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे. तो हार्ट रेट बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू इतनी होती है. अगर ये बढ़ के 0.9 से 1.1 हो जाए तो हम इंटेंसिव रिससिटेशन करके ही पेशेंट को अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस ला सकते हैं. ठीक है
अब हम आ जाते हैं लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, और हम देखते हैं कि उसकी वजह से जैसे ब्लड लॉस होता है तो कैसे कैसे साइंस एंड सिम्टम्स रिड्यूस आना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर 500 से 100 ml ब्लड लॉस होता है तो वो 10-15% ऑफ बॉडी का ब्लड लॉस है। उस टाइम बीपी को कोई असर नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत पैल्पिटेशन बढ़ सकती है, ठीक है, एंड यहाँ पर डिजीनेस पेशेंट को फील होगी, ठीक है। टैकीकार्डिया माइल्ड होगा, ये टैकी है, ठीक है, TACHY, टैकीकार्डिया जो है ये माइल्ड ऑब्जर्व होगा। 1000 से 1500 ml अगर ब्लड लॉस हो जाता है उस कंडीशन में बीपी जो है ना ये 500 से 1000 ml है, ठीक है, प्लीज इसको करेक्शन कर लीजिए। नाउ स्लाइट फॉल इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर देखने को मिलेगा अगर 1000 से 1500 ml ब्लड का लॉस हो जाता है तो, और क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा, किस वजह से, डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने की वजह से, और उसकी वजह से पेशेंट में थोड़ी सी वीकनेस, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग जैसे सिम्टम्स ऑब्जर्व होंगे। 1500 से 2000 ml अगर ब्लड का लॉस हो जाता है तो मॉडरेट फॉल होगा एसबीपी में, जिसकी वजह से पेशेंट रेस्टलेसनेस होने लगेगा और अब आउटपुट, यूरिन आउटपुट में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली अगर 2000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 50 से 70 mmHg का फॉल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट ऑब्वियसली कोलैप्स में जाएगा, एयर हंगर हो जाएगी और एन यूरिया विच मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन हमें देखने को मिलता है, एंड दिस इज द मोस्ट सीवियर ग्रेड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस जो पीपीएच है इसमें हम इसको जो मैनेज करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स में बेसिकली बी लेंस स्यूचर्स जो है इसका यूज किया जाता है, उसके अलावा सम अदर स्यूचर्स लाइक हेमैन स्यूचर, को स्यूचर एंड गन सेला स्यूचर्स आर यूज्ड, ठीक है। कई बार जो यूट्राइन और ओवेरियन आर्टरी है ना उसका लाइगेशन कर देते हैं ताकि ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जा पाए, इंटरनल आर्टरी का भी लाइगेशन किया जा सकता है। उसके अलावा आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन कैन बी डन, ये इसकी काफी अच्छी फाइंडिंग होती है एंड ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, ठीक है। उसके अलावा हिस्टेक्टमी की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट डेफिनेटिव मेथड होता है, ठीक है, पीपीएच के ट्रीटमेंट का हिस्टेक्टमी इज द मोस्ट डेफिनेटिव मेथड फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ पीपीएच, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है फॉर द मैनेजमेंट purpose, ठीक है। सो फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन विच वी हैव डिस्कस्ड पोस्टपार्टम हीमरेज। आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स डेली मैं आपके साथ ऑब्स्टेट्रिक्स का एक एग्जाम बेस्ड टॉपिक शेयर करती हूँ, एंड ऑल्सो देर इज एन एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन एंड ऑल अदर एलाइड सब्जेक्ट्स। So I request all of you to please at least visit the playlist section. I'm sure you'll find many useful informations there. Thank you.